भारत में खुफिया एजेंसियों ने 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया है। खासकर हिंदूवादी नेताओं की जान को खतरा बताया जा रहा है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने का एक साल पूरा हो रहा है। इसी तारीख को राम जन्मभूमि पूजन होना है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स के आधार पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकवादियों की टोली स्लीपर मॉड्यूल की मदद से खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में है। इनपुट दिल्ली, यूपी, पंजाब, कश्मीर और मुंबई के लिए जारी किया गया है। यह कहा गया है कि 5 अगस्त के आसपास इस बार आतंकी संगठन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। आरएसएस, हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी पुलिस या आर्मी यूनिफॉर्म में हमला कर सकते हैं। नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों को सतर्कता बरतते हुए अपनी मूवमेंट्स के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी देने के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के साथ शेयर किए गए इंटेल नोट की जानकारी में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ISI समर्थित आतंकवादी संगठन 5 अगस्त को हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ISI ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर को हमला करने का आदेश दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सटे हुए राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जारी है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होने जा रही है। संवेदनशील इलाकों में आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह है। डोर टू डोर चेकिंग भी की जा रही है।